नमस्ते फ्रेंड्स, आपको क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, मैं आज क्रिसमस की स्पेशल चॉकलेट रेसिपी बनाने जा रही हूं, जो कि बहुत ही इजी तरीके से और चटपट माइक्रोवेव में बन जाती है। तो आज की हमारी क्रिसमस रेसिपी है ड्राई फ्रूट्स चॉकलेट। तो फ्रेंड्स, इसी बात पर लाइक, शेयर और कॉमेंट्स। आइए फ्रेंड्स, इंग्रीडियंट्स देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं। टूटी फ्रूटी है, किशमिश है, ये बादाम है, काजू है, ये डेसिकेटेड कोकोनट है, खजूर है, बादाम का चूरा है, पीनट्स है और पिस्ता है। ये सारी हमारी ड्राई फ्रूट्स। और उसके बाद मैंने न्यूट्रलाइट बटर लिया हुआ है, मैंने वाइट कंपाउंड लिया हुआ है और डार्क कंपाउंड लिया है। ये दो तरह की हमने चॉकलेट्स ली हुई हैं और माइक्रोवेव सेफ ग्लास कंटेनर, बटर पेपर जिसके ऊपर में हम इसे सेट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लूंगी माइक्रोवेव सेफ ग्लास कंटेनर। इसमें हम डालेंगे, हम इक्वल अमाउंट में, आप जितनी भी क्वांटिटी यूज कर रहे हैं डार्क चॉकलेट की और मिल्क चॉकलेट की, हम इक्वल क्वांटिटी डालेंगे इसके अंदर में। तो मैंने ये दोनों डाल दी है। इसके साथ में मैंने डाला है एक चम्मच न्यूट्रलाइट बटर। बटर से एक बहुत ही हेल्दी और एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसे हम माइक्रोवेव करेंगे फॉर 30 seconds। हमें सिर्फ 30 seconds के लिए माइक्रोवेव करना है। माइक्रोवेव 900 पावर लेवल सिलेक्ट एंड 30 seconds टाइमिंग एंड स्टार्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी चॉकलेट एकदम बढ़िया से मेल्ट हो चुकी है। ये देखिए, एकदम बढ़िया से मेल्ट हो गई है। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे थी इसलिए 30 सेकेंड में मेल्ट हो गई, लेकिन अगर ये फ्रिज में रखा हुआ अगर आपका बार है तो आपको 1 मिनट लग सकता है। तो अब ये रेडी हो गया है। अब इसके अंदर में हम डालेंगे थोड़ा डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे। हमारी क्वांटिटी कम है इसलिए हम कम कम डाल रहे हैं डेसिकेटेड कोकोनट। खजूर डाल रहे हैं, खजूर डाल दिए मैंने थोड़े से। फिर थोड़े से हम पिस्ता डाल रहे हैं, ये पिस्ता हो गया थोड़ा सा, एक चम्मच जितना। थोड़े से बादाम डाल रहे हैं, थोड़े से काजू के पीसेस डाल रहे हैं, थोड़े किशमिश डाल रहे हैं, थोड़े से मूंगफली पाउडर, मूंगफली डाल रहे हैं, रोस्टेड है ये, और थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल रहे हैं। अब ये डाल करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, एकदम बढ़िया से ये पूरा मिक्स हो चुका है। अब मिक्स होने के बाद हमने जो ये बटर पेपर रेडी करके रखा हुआ है, हम इसे एक एक स्पून जो है इसके ऊपर में डाल देंगे और इसे फ्रिज में सेट कर देंगे। इसे हमने किया पोर। आप चाहें तो चॉकलेट मोल्ड में भी डाल सकते हैं, मैं इसे ऐसे ही डाल रही हूं। ये देखिए, इस तरह से मैं पूरी डाल करके रेडी करके रखा है मैंने, और इसे हम फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए 5 से 6 मिनट के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमने फ्रिज में रख दिया है, और फ्रिज में रखने के बाद में देखिए किस तरह से ये पूरी निकल गई है। हमने इसे कोई भी शेप या डिजाइन में, सांचे में नहीं डाला है। अगर आप चाहें तो कोई सांचे में भी डाल सकते हैं। ये सेट होके रेडी है। अब इसे डेकोरेट करते हैं। हम डेकोरेट करने के लिए हमने लिया है ये व्हाइट कंपाउंड लिया हुआ है हमने। हम व्हाइट कंपाउंड की एक बार जो है वो माइक्रोवेव करेंगे। हम व्हाइट कंपाउंड से इसे करेंगे। हमने कांच के बर्तन में डाल दिया। माइक्रोवेव 900 पावर लेवल सिलेक्ट और 1 मिनट टाइमिंग एंड स्टार्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी चॉकलेट जो है व्हाइट चॉकलेट एकदम बढ़िया से मेल्ट हो गई है। देखिए, अगर आपकी फ्रिज में रखी हुई चॉकलेट है तो आप उसको बार बार 30 सेकेंड देकर रखिए। उसके अंदर थोड़ा सा क्रीम ऐड कर दीजिए अगर वो मेल्ट नहीं हो रही, और अगर ये नई चॉकलेट है, अगर वो फ्रिज में 2-3 महीने से पड़ी है तो उसे मेल्ट होने में टाइम लगता है। उसमें आप थोड़ा सा दूध या बटर ऐड कर सकते हो। ये फ्रेश चॉकलेट थी इसलिए फट से हो गया। अब ये देखिए, मैंने ये एक पाइपिंग बैग लिया है, इसे मैंने इस तरह से इसके अंदर सेट कर दिया है। अब इसे हम इसमें डाल देंगे। इसे हम निकाल लेते हैं और इसे
तरह से इसे हम डेकोरेट कर लेंगे। नीचे से एकदम छोटा सा हमें काटना है, बहुत बारीक सा, ज़्यादा मोटा नहीं काटना, एकदम बारीक सा, और ऐसे छोटी सी लाइंस बनानी है इसके ऊपर। ये देखिए, इस तरह से हमारी ये डिलीशियस चॉकलेट इज रेडी इन सैमसंग स्मार्ट ओवन।